मोदी आना क्यों, मोदी जी क्यों आएंगे? सारी उनकी नीति बढ़िया है मोदी जी की, और क्या है, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, सारी सारी उनकी जितने भी नीतियां उनके लागू कर रहे हैं अपने जो जी। केजरीवाल जेल में इसमें अपनी करतूतों की वजह से है वो। प्रधानमंत्री पद पर अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हम तो हमें तो खुशी होगी कि केजरीवाल ही बने से ज्यादा अच्छा है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है बहुत गलत करा है। हाँ, नहीं होना चाहिए था, ये मोदी की तानाशाही है और ये नहीं चलेगी। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल में तो नाम कमाया, वर्ल्ड में मोदी जी ने, बाकी इंडिया के लिए कुछ भी नहीं किया, गरीब तबके के लिए कुछ नहीं किया, किसी को 10 रुपये भी नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। सही बात है जी, मोदी सरकार ने कुछ करा नहीं है, ठीक है, गरीब पब्लिक को मारा है, ठीक है जी, कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि 10,000 रुपये आ रहे हैं अकाउंट में, कुछ नहीं आए जी। लोकसभा चुनाव 2024 का जो बिगुल है वो बज चुका है। जी हाँ, हम लोग इस वक्त दिल्ली की शादरा मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर आम जनता क्या सोचती है, क्या समझती है अपने आने वाली सरकार को लेकर, उस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या मुद्दे हैं उनके पास जिसके आधार पर वो अब की बार वोटिंग करेगी। आपको मैं बता दूं कि 19 अप्रैल को वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 7 चरण में ये चुनाव होने हैं, जिसके जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। तो हम लोग दिल्ली की शादरा मार्केट में मौजूद हैं, चलते हैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका दिल कहाँ है अब की बार। हाँ जी, क्या नाम है? नरेश भारद्वाज। क्या करते हैं? बिजनेसमैन। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, लोकल। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है? हवा तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों? जब काम ही बीजेपी करती है और कोई करता नहीं काम। राहुल गांधी भी तो बोलते हैं वो तो सिर्फ टेम्परेरी है, हर चीज़ में कमियाँ निकालते हैं गवर्नमेंट की, रेगुलर काम तो ये कर ही रहे हैं कंस्टिट्यूशन, वरना तो वहाँ तो पहले तो ऐसे ही था, टाइम पास थी गवर्नमेंट। बीजेपी ने क्या ऐसा काम कर दिया जिसके आधार पर आप लोग वोट करेंगे अब? नहीं, बीजेपी ऐसा है ना, एक मेन चीज़ है जो रेगुलर इंस्ट्रक्चर है और चीज़ें हैं रेगुलर, वो चीज़ की ज़रूरत है अब। लेकिन क्या है, लोकल गवर्नमेंट से आपस में कंबाइंड नहीं, इसलिए यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा। मतलब जो कमियाँ ये आम आदमी पार्टी में, वो कमी अब यहाँ पर है ही। आयुष्मान भारत जेल में है, हैं? जेल में है तो वो तो आपस में एक दूसरे की कमियाँ हैं ना, मेन चीज़ है जो पॉलिटिक्स इतनी गलत कर रहे हैं कि दोनों पार्टियाँ की जो चीज़ चलनी चाहिए प्रॉपर, पब्लिक का भला नहीं हो रहा, दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली में जितनी भी है ना आम पब्लिक का भला नहीं हो रहा इन दोनों की वजह से। मेन चीज़ है अगर ये सोच के चलें आम पब्लिक का भला हो, अब हॉस्पिटलों में हालत इतनी ख़राब है पूछो मत, GTB में भी इतनी भीड़ थी, अभी संडे को मैं गया हूँ तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। क्या नाम है? रानू गुप्ता। क्या करते हैं? शॉप है मेरी। हाँ? शॉप है मेरी। लोकसभा चुनाव है, अब क्या लग रहा है, हवा किधर है अब की बार, किसको वोट डालेंगे? हमारा तो बीजेपी को जाता है। बीजेपी को क्यों, क्या काम कर रही है ऐसा बीजेपी? शुरू से दिया बीजेपी को है, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल वगैरह को दिया है, हमारा बीजेपी को वोट जाता है, बचपन से दिया है बीजेपी को दिया है। कोई काम के आधार पे दिया होगा ना शुरू से बीजेपी को? काम तो सारे बढ़िया ही करवाती है, ऐसे थोड़ी ना है, बीजेपी है आज पूरी सरकार चला रही है, ठीक है, तो कुछ बेस पे चला रही होगी ना। आज मोदी जी है, मोदी जी के उस पर सब कुछ है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ भाई। कोई है टक्कर में अभी उनके? फिलहाल तो कोई भी नहीं उनके टक्कर का। राहुल गांधी? कोई भी नहीं, ओनली मोदी, सिर्फ मोदी। 400 पार है मतलब अब की बार बीजेपी का? होना चाहिए। क्यों? काम सही कर रही है। जैसे क्या सा काम अच्छा कर रही है? बिल, पानी, वैसे सरकार ठीक है हमारी। हम तो आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम करी तो केजरीवाल जेल में क्यों है? केजरीवाल जेल में इसमें अपनी करतूतों की वजह से है वो। अच्छा। हाँ जी, जैसे क्या करा उसने? जैसे शराब एक के साथ दो करती थी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है वो, एक के साथ दो। तो कौन आएगा अब की बार? इस बार वैसे आम आदमी पार्टी आ भी सकते, नहीं भी आ सकती, बीजेपी का ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी आएगी आपकी बार? पक्का। 400 पार? पक्का आएगी। 400। क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा ये काम है जी। सब इलेक्शंस हैं, 24 में चुनाव है, क्या लग रहा है, किसकी लहर है? मैडम आप पार्टी की लहर होती है हमेशा और उसी की रहेगी। आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। वोट डालेंगे आम आदमी पार्टी? हाँ जी बिल्कुल, वोट देंगे आप। केजरीवाल तो अंदर है यार, बेशक आज नजर है, मगर सरकार तो चला ही रहे वो।
घर बैठे बैठे चलाएंगे चलाएंगे बिल्कुल। मोदी जी नहीं आएंगे क्या आपके घर? मोदी जी दिल्ली में नहीं आने चाहिए, पाकिस्तान कहीं भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। ऐसा क्या काम आम आदमी पार्टी ने किया है जो आपका? मैडम बहुत काम करे उन्होंने, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिली है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, सब कुछ दे रहे हैं, और हर महीने राशन मिल रहा है सबको भरे। अच्छा प्रधानमंत्री पद पर किसको देखते हैं? केजरीवाल। प्रधानमंत्री पद पर अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हम तो हमें तो खुशी होगी कि केजरीवाल ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। मोदी जी लायक नहीं है क्या? नहीं जी, हमारे तो लिए बेकार है मोदी। जनता के लिए मैडम अब देखिए, हमारे लिए तो ठीक कराने तो हम कह नहीं सकते हैं। जैसे क्या करा आप एक बार बताओ? इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता मैं। अच्छा मतलब अगर मोदी जी नहीं है तो आप किसको देखते हैं फिर प्रधानमंत्री पद? अभी देखिए केजरीवाल तो अंदर है जेल में, उसके अलावा किसको देखते हैं? राहुल गांधी को देखते हैं? हाँ राहुल भी आ सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल राहुल भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले तो कांग्रेस एकदम खत्म हो गई थी, अब कांग्रेस आ रही है धीरे धीरे, तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है मैम। क्या चल रहा है अभी? तो गर्मी का सीजन है, जरा मंदा चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब इलेक्शन से 24 में क्या लग रहा है, किसकी हवा है? बीजेपी की। बीजेपी को वोट डालेंगे? क्यों, क्या काम कर दिया बीजेपी? मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जैसे क्या काम कर रहे हैं? जैसे बाहर विदेशों में काम किया है, अब आगे क्या बोलूँ, अच्छा ही काम किया है सबको मालूम है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब प्रधानमंत्री पद पर अगर मोदी जी नहीं तो फिर टक्कर में कौन है? उन टक्कर में तो सिर्फ बीजेपी है और कोई नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ। राहुल गांधी है लेकिन वो तो बेकार है, फेल है। अरविंद केजरीवाल वो भी ऐसे ही है, जेल में है लेकिन अभी तो। हाँ जेल में तो है, पर वो काम नहीं कर पाया जो मोदी कर सकते है ना, कोई भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ जी। अच्छा जी बताइए, इलेक्शन से अब क्या लग रहा है, कौन आएगा? मोदी आना। क्यों, मोदी जी क्यों आएंगे? सारी उनकी नीति बढ़िया है मोदी जी की, और क्या है, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, सारी सारी उनकी जितनी भी नीतियाँ उनके लागू कर रहे हैं अपने, जो जी शिक्षा के क्षेत्र में समझो, रोजगार के क्षेत्र में समझो, पटरी वाले सबको लोन दिलवाए 10,000 रुपये उन्होंने, वो भले ही चाहे वापस ले जा रहे हैं, हर आदमी लेता है, काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ आर्थिक भी और रक्षा नीति सब टूट गई, नीति बढ़िया नीति है सारी उनकी। टक्कर में है कोई उनके सामने? कोई नहीं, वो तो आंधी है, तूफान है, तूफान के सामने कौन रुकता है, साइक्लोन बल्कि भूकंप। लेकिन राहुल गांधी है ना? राहुल तो चलेगा, पर वो राहुल क्या, वो तो बता दो, वो तो आलू से सोना पैदा कर रहे, राहुल तो उनके क्या है, वो तो पप्पू कहते हैं उसको तो। अरविंद केजरीवाल वो तो अंदर है जेल में। हाँ चार जन से सरकार चला रहे हैं, तीन अंदर पहुँचे, चौथे पहुँच जाएंगे, ताश खेलेंगे चारों बैठ के आराम से। हाँ जुड़ लीजिए, इनको कराए क्या, अन्ना घर को पागल बनाया जो अन्ना रहेगा, बस अपने सत्य हाथ लियो, अब उसकी घरवाली आएगी, वो चक्कर में अपने घरवाली सत्ता सौंप दूँ मैं। ये अभी कोई नहीं है टक्कर में, 400 पार है, मतलब अब की बार 420 21 बैठेंगे। क्या बात है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। हाँ जी मैडम, सब कहने की बातें हैं, केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है बहुत गलत करा है। अच्छा, हाँ नहीं होना चाहिए था, ये मोदी की तानाशाही है और ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जमानत मिलेगी, परसों को जरूर आएंगे केजरीवाल, जरूर आएंगे। अच्छा दिल्ली में प्रधान, दिल्ली में 4 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की और 3 कांग्रेस की हैं, इनमें से 3 आएंगी आप पार्टी की और 1 आई कांग्रेस की। हाँ दिल्ली में गारंटी आएगी बीजेपी की? नहीं, तानाशाही नहीं चलने की मोदी जी की, नहीं चलने की तानाशाही, बहुत चल गई, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर देते हैं, गलत बात है मोदी जी की, बहुत गलत। केजरीवाल शरीफ नियत वाले बढ़िया ईमानदार आदमी है, इन जैसा मुख्यमंत्री शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, इसको उन्होंने गिरफ्तार करा है, ईडी ने गलत कराया गिरफ्तार, बस मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा, मोदी जी की टक्कर में अभी कौन है प्रधानमंत्री पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर तो कांग्रेस ही है, इंटरनेशनल जो पार्टी है यही है, हालांकि राहुल गांधी नहीं आ सकते सामने मोदी के, लेकिन केजरीवाल होते तो टक्कर ही देते। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा हूँ राहुल गांधी कहीं भी ना है, 40 सीटें भी आने की कांग्रेस की पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हाँ क्या लग रहा है सर आपको? देखो जी टक्कर रहेगी इस बार, रहेगी इस बार कांग्रेस और बीजेपी में फुल टक्कर रहेगी। जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली, जिनको काम नहीं मिला, अब ये पटरी पे बैठे हैं, बुरा नहीं मानना, ये कितने रुपए महीना कमा लेते होंगे, ठीक है जी, अगर आप एजुकेशन के हिसाब से सोचे, अगर ये थोड़ा पढ़े लिखे होते, थोड़ा और काम अच्छा करते, ठीक है जी, ठीक है जी, क्योंकि के इस टाइम जो युवा बच्चा है, जो अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनकी जॉब को जो घर पे बैठे हुए हैं, जिनको कम से कम नहीं
60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए उनको। किसी को जॉब ही नहीं मिल रही है, खाली घूम रहे हैं, ठीक है, जॉब है नहीं। अच्छा, आप अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो, आप किस बेस पे देना चाहते हो कि अगर उसका फ्यूचर आगे नजर आए तभी भी उसको अच्छी एजुकेशन देना चाहोगे ना? जब वो दे ही नहीं पाएंगे फिर जॉब है ही नहीं, वो क्यों करेगा? जैसे पहले लोग थे, कोई रेडी लगा रहा है, अब बीए पास वाला रेडी लगा रहा है, रिक्शा चला रहा है। फिर इस गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल में तो नाम कमाया वर्ल्ड में, मोदी जी ने, बाकी इंडिया के लिए कुछ भी नहीं किया, गरीब तबके के लिए कुछ नहीं किया, किसी को 10 रुपये भी नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन इनकी सरकार से अब खुश नहीं है, सबको बंद कर रहे हैं। 9.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, आप खुद देख लीजिए, वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने आधार कार्ड बना दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, आप जाके देख लीजिए, कहीं पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया? केजरीवाल ने क्या गुनाह करा? केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया, ईडी के नौ सम्मान आ गए और वो नहीं जा रहा था चक्कर में, ऐसा गिरफ्तार करेगा 5 दिन से डाल रखा। शीला दीक्षित के टाइम में एक फ्लाईओवर ऐसे बन गए, फ्लाईओवर ऐसे ही बन गए, नहीं फ्लाईओवर ऐसे बन गए। ठीक है, इंडिया में नहीं किया कुछ भी। आप इन लोगों की बात से सहमत हैं? अभी मैं बाइक आगे नहीं जाना, सही बात है जी, मोदी सरकार ने कुछ करा नहीं है, ठीक है, गरीब पब्लिक को मारा है, ठीक है जी, कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि 10 हज़ार रुपये आ रहे हैं अकाउंट में, कुछ नहीं आए जी, सब कुछ बेकार है। किसको वोट डालेंगे आपकी बार, आप युवा है देश का? मैडम मेरा तो आम आदमी पार्टी को ही जाता है। केजरीवाल ने काम किया है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल मैम, लेकिन अभी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। मैम सही है, तो जेल से चला रहे हैं, सही है अपना। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी सही हुई है, गलत हुई है? नहीं गलत है मैडम, एक के साथ एक होते दिए, तेरी पब्लिक पर पी के जरा पांच सौ घोटाला करा जब बट थोड़ी क्या बका थे सब। हम सब यही तो सुनो, उन्होंने केजरीवाल ने कितने पुरानी गाड़ी मांगो छोटी गाड़ी में से शपथ लेने के लिए, और आज देना अपने फ्लैट में 100 करोड़ रुपए लगा दिया उसने, किसका माल है? पब्लिक का माल सारा। वो 2 साल पहले बोतल बटी है, तब नहायत ही ना इंसाफी करी है मोदी जी ने, उन्हें रियाज छुटना चाहिए, छोड़ना चाहिए, गलत है बिल्कुल, बहुत गलत किया है। हाँ आंटी सुनिए, मुझे ये बताइए, अरे कैसे नहीं पता, रुकिए। अच्छा मोदी जी को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी बार कौन आएगा, किसकी सरकार? मोदी की सरकार। केजरीवाल की नहीं? नहीं। दिल्ली में पूछो, दिल्ली में कौन आएगा? मोदी आएगा। 400 पार है मतलब बीजेपी? 500 उससे ही 500 पार हो जाएंगे, हमारे घर के 600 आदमी हो जाएंगे। जो वोट डालेंगे? हाँ कुनबा बड़ा है हमारा। बढ़िया, हाँ जी। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इलेक्शन है अब 24 में, क्या लग रहा है, किसकी हवा है? मोदी। कैसे, क्या काम कर रही है सभी जीपी ने? मैडम बताओ जरा क्या काम कर रहा है? बस मोदी मोदी छाए हुए, और कौन है? मोदी मोदी छाए हुए और है क्या? अच्छा, सर क्या काम कर रही है बीजेपी आप मुझे? जो माँ बाप करते हैं, जैसे हैंडल तो माँ बाप ही करते हैं ना, तो वही हैंडल कर रहे हैं वो, थोड़े बहुत कईयों को बुरा लगता है, कईयों को अच्छा लगता है। अच्छा टक्कर में है कोई? कोई नहीं, आम आदमी थी मगर अब वो भी फ्लैट हुई पड़ी है, जेल में है। हाँ। जेल से चल, क्या कह सकते, राहुल गांधी भी तो है टक्कर में। नहीं मोदी, वो तो मोदी है तो बच्चा ही है वो। क्या बोल रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन हो जाएगा, क्या होगा, क्या करा है मोदी जी ने? आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई जो मोदी ने किया, हर चीज, हर चीज। क्या नोटबंदी कभी किसी ने नहीं करी, खत्म कर दिया आतंकवाद, खत्म कर दिया। कितना होता था पहले, अब कहाँ होता है? राम जी को ले आए, आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई, ये सरकार है जो हमारे राम जी को लाई। क्या बोल रही थी? मोदी तो मोदी है, कश्मीर में आज खुलेआम हर कोई जा सकता है, पहले कहाँ जा पाते थे? डर लगता था। मैं भी आज से 8 साल पहले अमरनाथ गई थी, पत्थर इतने पड़े थे, बच के ही आई थी। अब जैसे भी कोई जाता है आराम से आता है, खुलेआम फ्री होके, रात के 11 बजे भी निकल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं भाई? बेडशीट बेचता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार, इलेक्शन है, चुनाव है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार ने ऐसा क्या काम करा है? बहुत कुछ कर दिया जी, जो आपसे 60-70 साल पहले नहीं किया था वो अब 10 साल के अंदर कर दिया है। जैसे कि राम मंदिर को उठा रहे थे, राम मंदिर को उठा के बना दिया जी, राम मंदिर बना के दे दिया, 370 को उठा रहे थे हर इलेक्शन में, 370 भी उठा दीजिए,
तीन तलाक पे वो कर रहे थे, तीन तलाक बना दिए, कर दिया, ख़त्म कर दिया। गरीब आदमी के मकान बना के दे दीजिए, लैट्रिन बना के दे दी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए मोदी सरकार? पाँच साल के राशन फ्री कर दिया, गारंटी मोदी की जो हुई वो पूरी की पूरी। कोई टक्कर में है या नहीं है? नहीं है। राहुल गांधी? पप्पू है। केजरीवाल? चोर। नीतीश कुमार? पलटूराम। ममता बनर्जी? वो खातून है, बनर्जी नहीं है, वो खातून है, उसको तो और नाम से बोला जाए वो ठीक है, अब और के नाम से बोला करो मैडम उसको जो है ना, तो है तो उसका क्या नाम है मैं भूलना पड़ा हूँ, मैं ऐसे तो याद ही नहीं करना चाहता उसे। हाँ, बाकी मेरे मोदी सरकार टनाटन एकदम एक नंबर। अब की बार मोदी जी के 400 पार है, मतलब उससे भी ऊपर ही हो जाएंगे। राहुल है मैम। राहुल क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ। अब इलेक्शन है 24 में, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है, किसकी सरकार चाहती है जनता आपकी बार? मैम देखो लहर तो ऐसे मोदी जी की चल रही है। हाँ। बाकी कहा कुछ भी नहीं जा सकता। अच्छा, जनता जनता किसको वोट डालेगी, किसका काम पसंद आ रहा है जनता को? जनता को तो मोदी का ही पसंद आ रहा है मैम, मोदी जी का ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को ही डालेंगे सब लोग। क्या बोल रहे हैं सर? मोदी जी का काम क्या काम कर दिया ऐसा मोदी जी ने? मोदी का ही काम सही लग रहा है, मैं तो कांग्रेस से ज्यादा मोदी सही लग रहा है। पर राहुल गांधी को पीएम पद पे नहीं देखते हैं आप? मोदी सही है, मोदी क्या काम कर दिया ऐसा मोदी जी ने, कुछ बताइए देश के लिए। वो सही जो कांग्रेस ने कर पाई मोदी ने कर दिया वो काम। देखिये, हम लोग दिल्ली की शादरा मार्केट में मौजूद थे, जहाँ पर लोगों का रुझान क्या है, उनका दिल क्या है, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर इलेक्शंस को लेकर माहौल क्या है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ के लोगों का, और मन की बात क्या है, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश करी। और बीजेपी अगर जीतती है तो क्या मुद्दे हैं उनके पास, कि किसके आधार पर वो वोट डालेगी, इन सभी बातों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल को जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, 7 चरण में ये चुनाव होने हैं और 4 जून को रिजल्ट आएगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।